अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भी मैं बहुत ही मज़ेदार सी जो है झटपट बनने वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही जल्दी बनती है। तो जरा रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं जी मटन कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है मटन ले लिया है तकरीबन हाफ़ के जी के करीब, और इसको जो है मैंने कर लिया था बॉयल। मैंने इसको जिंजर गार्लिक और सॉल्ट डालकर जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अच्छा सा बॉईल कर लिया है। तकरीबन आप इसको 90% जो है बॉईल कर लें, या आप चाहें तो आप इसको कम्प्लीटली भी जो है बॉईल कर सकते हैं। मैं जो है कभी भी बनाती हूँ कढ़ाई वगैरह, तो मैं हमेशा जो है ऑयल को जो है सॉरी मटन या बीफ जो भी बनाती हूँ मैं बॉईल करके ही जो है कढ़ाई बनाती हूँ, वो बहुत अच्छे से बन जाती है। अच्छा जी, अगर आपके पास टाइम भी कम है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका जो है फटाफट जो है खाना बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने ले लिया है गोश्त को बॉईल कर लिया है। सेकेंड मैंने जो है ले लिया इसके अंदर हाफ कप के बराबर ऑयल, और इसके अंदर जी मैं डाल दूँगी तकरीबन जो है एक किलो में जो है 2-3 टमाटर जो है कम है इसके अंदर। तकरीबन ये जो है आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा टमाटर हैं। तकरीबन जो है ये 5 बड़े टमाटर थे और मैंने इसको जो है ऐड कर दिया। और अब मैं जो है इसको सॉफ़्ट होने दूंगी। तब तक मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल भुनाई जैसे नहीं हो जाएंगे। मैं ढक्कन ढाँप कर इसको जो है हल्की आँच पर रख दूँगी। चलें जी, अब टमाटरों को चेक कर लेते हैं। 3 पाव मैंने टमाटर लिए थे और मैंने जो है इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। अब जो है इसको तकरीबन जो है 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें इसकी जो सारी पील है, इसका जो सारा छिलका है, वो देखें ईजीली जो है उतर जाएगा। आप चाहें तो पहले ब्लांच करके भी टमाटर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ईजी तरीका है। आप डालें और इसको ढक्कन ढाँप कर जो है 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, या 10 मिनट के लिए रख दें। ज़्यादा टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप ईजीली इसकी पील को जो है उतार सकते हैं और इसकी जो है भुनाई कर सकते हैं। ये देखें सारी पील जो है इजीली निकल जाती है और कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टमाटरों के साथ जब हम पका लेते हैं तो फिर टमाटर जो है अच्छे से गलते नहीं हैं और ग्रेवी में जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसकी जो है सारा मैं पील निकाल दूंगी इसका। ये देखें इजीली सारे पील मैंने उतार लिया। अब जो है हम इसकी कर लेंगे भुनाई अच्छे से। आप इसको जो है इस कढ़ाई को बीफ में, चिकन में बना सकते हैं इजीली, और मैं जो है इसको मटन में बना रही हूँ। आप जो भी मीट पसंद करते हैं आप उसके अंदर इसी रेसिपी को फॉलो करके इजीली जो है आप बना सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाऊंगी। 2 मसाले ऐड करूंगी इसके अंदर, और बस नमक ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, और इसके अंदर जी ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक, और हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है रेडी हो जाएगी। अब इसकी जो है करेंगे जी हम भुनाई को स्टार्ट, और इजीली जो है इसकी भुनाई हो जाती है। थोड़ा सा जो है मैं चूल्हा अब तेज़ कर रही हूँ, और सारा पील जो है मैंने उतार दिया अच्छे से, और टमाटर जो है अब सॉफ्ट होने लग गए। अब बस जो है इसको 10 से 15 मिनट इसकी इस तरीके से भुनाई करनी है ताकि टमाटर जो है बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए ऑयल के साथ, और अच्छे से भुनाई होकर और ऑयल जो हमने डाला है वो सेपरेट नज़र आने लगे सरफेस पर। फिर हम इसके अंदर जो है दूसरे मसाले ऐड करेंगे जो है निकाल दिए थे। और अब देखें जी इतनी अच्छी सी इसकी जो है टमाटर जो है कच्चापन जो है ख़त्म हो गया है, कलर देखें चेंज हो गया है, और तेल जो है अच्छा सा सेपरेट हो गया है। अब जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। मैंने जो है हाथ से ही जो है फ्रेशली जो है कूट लिया था। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर। अदरक लहसुन डाल के थोड़ा अच्छी सी भुनाई करेंगे इसकी। आँच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर के साथ अच्छे से ही मिक्स हो जाए। बहुत इजी बन जाती है अगर आप गोश्त पहले से बॉईल करके रख लें, और फटाफट अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाएँ और आपको जल्दी जल्दी जो है कोई डिश बनानी हो तो आप ये कढ़ाई ज़रूर बनाएँ, और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाती है। टमाटरों को आपने गलने के लिए छोड़ दिया और आपने साथ ही कोई और डिश बना ली, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आप इसको जो है पील करके जब इसको हल्की आंच पे ढक्कन ढाँप के रख देते हैं तो खुद ही जो है ये टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा जो है इसके अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत मज़ेदार सी जो है रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई बनकर तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी जो है कैसी लगी। अब देखिए अच्छी सी मैंने भुनाई कर दी है, अदरक लहसुन का जो है कच्चापन ख़त्म हो गया है, अच्छी सी जो है फ्राई हो गया है दोनों चीज़ें। अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँ स्पाइस,
स्पाइस के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और जब ये दोनों मिर्चें डालते हैं हम काली और लाल, इतनी मज़े की खुशबू उठती है इसके अंदर। गोश्त जो है उबला हुआ है इसलिए मैं एंड में ऐड कर रही हूँ, और गोश्त के साथ जी इसको अच्छा सा जो है भून लेंगे। साथ ही जो है मैं इसके अंदर हसबे जायका नमक भी ऐड कर दूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ रख सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल ड्राई कर लें। अब जो है मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्च, 4 मैंने हरी मिर्च ले ली थी। और अब जो है मैं आंच को बिल्कुल हल्का कर मैं इसको रख दूंगी दम पे। तो करते हैं चेक, इसको मैंने दम पे रख दिया था हरी मिर्च डालकर, और ये लीजिए जी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर डालेंगे जी थोड़ा सा हरा धनिया अगर आप चाहें तो, और डालेंगे जी इसके ऊपर जूलियन कटी हुई अदरक, ताकि मज़ेदार सी जो है कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल तो लगे। और बस ये रेडी हो चुकी है और इसको अब करते हैं जी सर्व। ये लीजिए जी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जल्द आए, अल्लाह हाफिज़।